हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो अचीवर्स बैच की क्लास होने वाली है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, अचीवर्स बैच उन बच्चों के लिए है बेटा जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के एंट्रेंस की। सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए होने वाला है बैच, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। ठीक है, बैच में आपको प्रैक्टिस सीरीज, डाउट क्लासेस, ये हुआ प्रैक्टिस सीरीज आपका, ये हुआ डाउट क्लासेस प्लस नोट्स फ्री, ये सब फ्री मिलने वाला है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। पढ़ने क्या वाले हैं हम? पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आज भी हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। चलते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं आज हमारी फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? देखिए, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ टू मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट्स। मतलब क्या हुआ? कुछ आपको डिजिट्स दे दी है, जैसे कि आपको दे दिया है 3, 9, 2, 1, 5। इसकी हेल्प से आपको बनाना क्या है? इसकी हेल्प से आपको बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये बनाना है। ठीक है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको। इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट है 9। उसके बाद कौन सी डिजिट? उसके बाद है 5, तो हम उसके बाद लेंगे 5। उसके बाद कौन सी? उसके बाद है 3, तो हम क्या लेंगे? 3। उसके बाद 2, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 1, तो 1 ले लेंगे। ये बन गई आपकी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या इन नंबरों की हेल्प से। ये जो यहाँ डिजिट दिए हुए थे, अंक दिए हुए थे, इन अंकों की सहायता से हमने सबसे बड़ी नंबर बना ली है। अब बनाने के लिए स्टेप 1 क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे दिया आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे दिया आपको, और आपको यहाँ पे अंक दिए हुए हैं पहले से अंक दिए हुए, इन अंकों से बनाना है आपको। अंक आपको दे रखे हैं और अंक की मदद से आपको क्या बनाना है? नंबर बनाना है कोई। ठीक है, डिजिट्स की हेल्प से कोई नंबर बनाना है। तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 यही है इसका कि जितने भी डिजिट्स हैं, जो भी डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, जो भी अंक आपको दिए हुए हैं, उन सब को आपको किस ऑर्डर में अरेंज कर लेना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में अरेंज कर लेना है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो देखो, हमने यहाँ पे यही किया है। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखा है 9, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो आपको दे रखा है 8, 1, 3, 4, 5। सबसे बड़ी बनानी है वही। तो फिर से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। सबसे पहले 8 आएगा, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 1। इसका उल्टा देते, सबसे छोटी संख्या बनानी। तब क्या करोगे? स्टेप 1 तब क्या करना पड़ेगा हमें? हम बड़े से छोटा कर रहे हैं और सबसे छोटी संख्या बनानी होगी, तो हमें क्या करेंगे? हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। कौन से ऑर्डर में करना पड़ेगा? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, ये होता है। तो छोटा सबसे पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। ये बन गई सबसे छोटी संख्या और ये बन गई इधर सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके। जैसे कि मान लो आपको कोई एक एग्जाम्पल, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है, क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। मान लो एक बार को, मान लो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और इधर मान लो आप कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ये मान के चलो। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मतलब यहाँ पे बनाना है आपको, बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी, और यहाँ आपको बनानी है छोटी से छोटी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ स्टेप 1 क्या होता है? यहाँ स्टेप 1 होता है इसको अरेंज कर दो किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये होता है यहाँ स्टेप 1 क्या होता है कि इसको अरेंज कर दो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ऐसे जमा देना है नंबर को। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल आपको दे रखा है 2, 5, 1, 8, 6। इसकी हेल्प से बनाना है। तो यहाँ बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा 8, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है और फिर 1 है। ये बन गया हमारा सबसे बड़ी संख्या इन अंकों की मदद से। यहाँ देखो सबसे छोटी बनानी है तो छोटे से बड़ा लेके जाना है, ठीक है, छोटे से बड़ा लेके जाना। सबसे छोटा है 1, फिर है आपका उसके बाद 2, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 8। ये बन गई सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको दे दिया है 1, 0, 8, 4 और 3, ये लेते हैं। अब क्या करें, सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे। तो 8 है सबसे बड़ा, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है और 0। बड़ा तो बन गया, बड़े बनाने में तो दिक्कत नहीं आएगी, पर छोटे बनाने में कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, डिजिट वही है आपके पास, अंक वही है, 1, 0, 8, 4 और 3। अब सबसे छोटी बनानी, सबसे छोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कई बार कि 0 पहले लिख देते हैं, 0 लिख दिया, फिर 0, 1, 3, 4, 8। ऐसा कोई नंबर होगा क्या बताओ, 0 से स्टार्ट होता है कोई नंबर नहीं होता ना, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये गलत है, एकदम गलत है। तो क्या करेंगे फिर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, 0 के बाद जो सबसे छोटी अंक है, जो सबसे छोटा अंक है उससे शुरू करना है। तो 0 के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। बाकी सब तो बड़े हैं और ज्यादा बड़े, पर 0 के तुरंत बाद कौन सा छोटा है, 1। तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। फिर 0 कहाँ जाएगा मैम, लास्ट में नहीं, तुरंत सेकंड नंबर पे आ जाएगा 0, उसके बाद बाकी सब वैसा का वैसा लिख दो। 3, 4, 8 बन गया। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, ठीक है। और आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपको एक दे रखी है संख्या 0, 9, 2, 7, ये दे रखी है। सबसे छोटी संख्या बनानी तो क्या 0 से शुरू कर दूं, नहीं, 0 से तो शुरू नहीं करना। तो 0 के तुरंत बाद कौन सा बड़ा है, तो है ये देखना है, 0 के तुरंत बाद यहाँ 2 बड़ा है तो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 9। बन गई सबसे छोटी संख्या इन चारों अंकों की हेल्प से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर गिवन डिजिट्स 3, 5, 1, 7, 2। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और अंक आपको दिए हुए हैं 3, 5, 1, 7 और 2। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनाने का मतलब स्टेप 1 बताया था ना। स्टेप 1 क्या था, इसको किस ऑर्डर में अरेंज कर देना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। किस ऑर्डर में अरेंज कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। करो, सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है मुझे, 7, तो 7 लिखा। फिर कौन सा दिख रहा है, 5, तो 5 लिखा। फिर दिख रहा है मुझे 3, तो मैंने 3 लिखा। फिर दिख रहा है 2, तो फिर 2 लिखा। और फिर दिख रहा है 1, तो 1 लिखा। 75,321, 75,321, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया हुआ है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अंक 6, 2, 7, 4, 3, ये अंक है 6, 2, 7, 4, 3। प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा क्या, 7, फिर क्या आएगा, 6, फिर क्या आएगा, 4, फिर 3, फिर 2। ये तो सबसे बड़ी संख्या है। ये कौन सी संख्या बन गई है, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है उसके बाद 6 और फिर है 7। ये क्या बनी है आपकी, ये बनी है सबसे छोटी संख्या। अब इनका डिफरेंस बोल रहा है, मतलब इनको सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करो। 12 में से 7 गए तो कितना बचता है, 5 बचता है। यहाँ कितना होगा, 12 में 6 गए तो कितना बचता है, 6 बचता है। यहाँ कितना होगा, 13 में से 4 गए तो 9 बचता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ होगा 5। 52,965 ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या किया, सबसे बड़ी संख्या पता लगाई, सबसे छोटी संख्या पता लगाई, और इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा था तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होने वाली चीज है, एक्सपेंड होने वाली चीज है। क्या होने वाली चीज है, एक्सपेंड होने वाली चीज है, इसलिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, विस्तार में लिखना किसी चीज को, उसी चीज को उसका क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे आपको एक नंबर दे दिया है 91432, इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप बताना है। कैसे बताएंगे, हमें पता है कि 2 की जगह क्या है, 2 1s की जगह पे या इकाई की जगह पे, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर 3 का देखेंगे तो हमें पता है कि 3 कौन सी जगह पे, 10s की जगह पे, दहाई की जगह पे, तो 3 × 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 × 10, 30। उसके बाद 4 कौन सी जगह पे है, तो 4 है आपका सैकड़ा की जगह पे, तो 100 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 400। उसके बाद 1 कौन सी जगह पे है, तो 1 है हजार की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 1000। फिर 9 कौन सी जगह पे है, 9 आपका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 या 10,000 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 90,000। अब विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे इनको, हम लिखेंगे ये 9 जो है यहाँ से उठाओ, क्या यहाँ से लिखना शुरू करो, 9 को क्या बोलोगे, 9 को बोलेंगे 90,000। 90,000 प्लस 9 के बाद है 1 को क्या बोल रहे हैं हम, 1000। 4 को क्या बोल रहे हैं, 400 प्लस 3 को क्या बोल रहे हैं, 30 प्लस 2 को क्या बोल रहे हैं, 2। ये है विस्तारित रूप, ये है विस्तारित रूप। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल है आपके पास 53912, इसका विस्तारित रूप बताना है। बताओ 5 कौन सी जगह पे, यहाँ से लिखना शुरू करो, 5 कौन सी जगह पे, 50,000 की जगह पे, प्लस 3 कौन सी जगह पे है, 3 है आपकी हजार की जगह पे, तो 3000 हो जाएगा। 9 कौन सी जगह पे है, 9 है आपका सैकड़ा की जगह पे, तो 900 हो जाएगा। उसके अलावा 1 कौन सी जगह पे आपका, तो 1 है 10s की जगह पे, तो 1 ही हो जाएगा। दहाई की जगह पे तो 10 हो जाएगा। और 2 कौन सी जगह पे, 1s की प्लेस पे, तो 2 कौन सा हो जाएगा आपका, 2 ही रह जाएगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके पास 7901, ये एग्जाम्पल है। 7 कौन सी जगह पे, 7 जगह पे 7,000 के, हजार की जगह पे 7 × 1000, 7,000। 9 कौन सी जगह पे, 9 है आपका सैकड़ा की जगह पे, तो 9 × 100 है वो। 0 कौन सी जगह पे, 0 है आपका 10s की जगह पे, दहाई की जगह पे, तो 0 × 1 होगा। और 1 कौन सी जगह पे आपका, 1 है आपका 1s की जगह पे, तो 1 × 1 हो जाएगा। क्या आया आंसर, आंसर आपका आया ऊपर है 7,000, 9 × 100 हो गया 900, 0 × 1 हो गया 0, और 1 × 1 हो गया 1। ये है इसका विस्तारित रूप, इसी को कहते हैं विस्तारित रूप। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5176। 5 कौन सी जगह पे, 5 है आपकी 1000s की प्लेस पे, तो 5 × 1000। 1 कौन सी जगह पे, सैकड़े की जगह पे, तो 1 × 100। 7 कौन सी जगह पे, 10s की जगह पे, दहाई की जगह पे, तो 7 × 10। और 6 कौन सी जगह पे, 6 है आपका 1s की प्लेस पे, तो 6 × 1। क्या आया, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो, 5000 + 100 + 70 + 6, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1934। अब 1 कौन सी जगह पे, 1000 की जगह पे, तो 1 × 1000। प्लस 9 कौन सी जगह पे है, सैकड़ा की जगह पे है, 100s की जगह पे, इसलिए 9 × 100। तीन कौन सी जगह पे, 3 × 10 क्योंकि टेंस की प्लेस पे या दहाई की जगह पे है। 4 कौन सी जगह पे, 4 × 1 वंस की प्लेस पे। क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 900, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो, 1000, 930 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 825? 825 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। क्या होगा, 8 कौन सी जगह पे, सैकड़ा, 8 × 100। 2 कौन सी जगह पे है, दहाई, तो 2 × 10 टेंस की प्लेस पे। 5 कौन सी जगह पे, वंस की प्लेस पे, 5 × 1। यहाँ हो जाएगा 800, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 5। ये आंसर 800 + 20 + 5। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अनुमानित मूल्य। अब आप समझ लो जैसे कि आपके घर पे कोई पार्टी होने वाली है, बच्चों की पार्टी। ठीक है, उस बच्चों की पार्टी में जो खर्चा आने वाला है वो इतना है, 1976 रुपए का खर्चा आने वाला है, 1976 रुपीज खर्च होने वाला है। तो हम क्या मान के चलते हैं, मान मतलब गेस करके क्या चलते हैं, अंदाज क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा हो जाएगा, 2000 रुपए। कितना खर्चा हो जाएगा, 2000 रुपए का खर्चा हो जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऐसे ही मैथ, ये मैंने आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया। बहुत चीजों में ऐसा होता है, जैसे कि घर में राशन लेके आना है, घर में क्या लेके आना है, राशन लेके आना है मंथली। ठीक है, आटा चावल दाल। हमने माना कि 4570 रुपए खर्च होने वाले हैं। माना, हमने लिस्ट बनाई, पता चला इतने पैसे खर्च होने वाले हैं। तो हमने क्या मान लिया कि इस बार का बजट कितना होने वाला है राशन का, 5000 रुपए। इस बार कितना बजट होने वाला है राशन का, 5000 रुपए। इसको हमने ये मान लिया। इसी को क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं हम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर अनुमानित मूल्य। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर अनुमानित मूल्य। अब ये 2-3 तरीकों से होता है। कौन कौन से, देखो यहाँ, एस्टिमेटिंग द नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100 और 1000। मतलब नियरेस्ट टेंस के पास होता है। एक तो 10 मतलब ये वाला जो 10 लिखा है इसका मतलब यही हुआ, नियरेस्ट टेंस के पास, या फिर 100s के पास होता है, या फिर 1000s के पास होता है। इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, नियरेस्ट टेंस के पास होने का मतलब क्या है, जैसे कोई नंबर दे रखा है आपको 597। अब हम इसके टेंस वाले डिजिट पे जाएंगे। टेंस वाला डिजिट देखो, वंस और टेंस। टेंस पे हम देख रहे हैं 9 है और ये पूरा मिला के दिख रहा है मुझे क्या है, 9 के बाद क्या है, 7 है, तो 97 है। इस 97 को हम क्या बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं। ये 100 के पास है ना, 97 किसके पास होता है, 100 के पास होता है। तो 100 ये हो गया और ये वाला 5 पहले से था, ये वाला 5 जो था वो भी पहले से था, 500 था और 100 हमने मान लिया, तो कितना हो गया ये 600। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई, 600। ये हम ऐसे करते हैं टेंस के पास। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट करके लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे होता है जब हम टेंस के पास करते हैं। उसके अलावा हम 100s के पास कैसे करते हैं, तो देखो हम वो सीखेंगे कि 100s के पास कैसे करते हैं। 100s के पास करने के लिए मान लो आपके पास नंबर दिया हुआ है 6387, ये दिया हुआ है। अब 100s वाली प्लेस से सारे डिजिट ले लो, 387। अब ये 387 जो है ना बेटा, ये जो है या तो ये 400 के पास होगा या फिर ये 300 के पास होगा। किसके ज्यादा पास है बताओ, 387। यहाँ से अगर मुझे 300 जाना पड़ेगा तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, 87 माइनस करना पड़ेगा। पर अगर मुझे यहाँ से 400 जाना पड़ेगा तो ये पास है, ये क्या है, पास है। तो इसलिए हम 387 को क्या मान लेंगे, 400 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 400 मान लेंगे। तो जो हमारी वैल्यू थी 6387, इसको हमने, इतने को मान लिया हमने 400, तो ये क्या बन गई, ये बन गई 6400। ये 6 तो वैसा का वैसा आ गया और ये 400, 6400 बन गया ये। ऐसे हम करते हैं 100s के पास। अब 1000s के पास कैसे करते हैं, 1000s के पास ऐसे करते हैं जैसे कि आप यही वाला एग्जांपल ले लो अभी अपना, 63087। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लो। अब ये जो है 6000, ये जो नंबर है 6000 से थोड़ा ज्यादा है, 6000 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो हम क्या मानोगे आप इसको कि ये 6000 के ज्यादा पास है या 7000 के ज्यादा पास है? 1000 की बात कर रहे हैं हम, 6387 इसके ज्यादा पास होगा या इसके ज्यादा पास होगा? तो देखो इसके से यहाँ तक आने में बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 600 समथिंग प्लस करना पड़ेगा, 613 कितना ऐड करना पड़ेगा, 613 ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। पर यहाँ से अगर यहाँ आना है, 6000 के पास जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा 387। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा माइनस करना 387, या ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ये पड़ेगा ज्यादा इजी, क्योंकि यहाँ कम माइनस करना है। तो इसलिए हम इसको कितने में एस्टिमेट करेंगे, 6000 में एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, ये इसका अनुमानित मूल्य होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आपको यहाँ 10s के पास करना है, कहाँ करना है, 10s के पास करना है। तो चलो ये 28 दे रखा है एक नंबर आपको। अब ये 28 बेटा 30 के ज्यादा पास होगा या 20 के ज्यादा पास होगा? तो आप बोलोगे कि 30 के ज्यादा पास होगा, तो हो गया, इसको हम यहाँ भेजेंगे 30 के पास। 59 दे रखा है आपको। अब ये 59 जो है ये 60 के ज्यादा पास है या ये 50 के ज्यादा पास है? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो 60 के ज्यादा पास है, तो चलो 60 ही हमारा करेक्ट आंसर है। 41 जो है बेटा ये 40 के ज्यादा पास है कि 50 के ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है बताओ? तो मैम 41 तो 40 के ज्यादा पास है, तो ये करेक्ट होगा आपका। ठीक है, 99। अब 99 जो है ये 100 के ज्यादा पास है या फिर 90 के ज्यादा पास है? तो मैम ये तो 100 के ज्यादा पास है, +1 करना पड़ेगा, 100 आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और देखते हैं कुछ नंबर्स। 215। अब 10s वाला नंबर देखो, आपको इतना ही देखना है, 2 से कोई मतलब नहीं है हमें, इस 15 से मतलब है। ठीक है, अब ये 15 जो है बेटा ये आपके 20 के ज्यादा पास है या फिर 10 के ज्यादा पास? तो आप जब भी ऐसे में उलझो कि 15 आ जाए, तो आप ये भी करेक्ट बता सकते हो, ये भी करेक्ट बता सकते हो। ऑप्शन में जो दे रखा है, अगर 210 दे रखा है ऑप्शन में तो वो सही है, और अगर 220 दे रखा है ऑप्शन में तो वो सही है, और अगर दोनों दे रखे हैं तो आप किसी भी एक पे टिक लगा सकते हो, आपका सही जाएगा, वरना ये दोनों सही है क्योंकि ये मिडिल में है, इससे भी उतना ही दूर है और इससे भी उतना ही दूर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 73। तो 73 की बात कर रहे हैं, 80 के ज्यादा पास है बेटा या 70 के ज्यादा पास है? तो 70 के ज्यादा पास है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 92 की बात हो रही है, 92 की बात हो रही है। 92 100 के ज्यादा पास होगा या 90 के ज्यादा पास होगा? तो 90 के ज्यादा पास होगा ऑब्वियसली, 100 के थोड़ी होगा। चलो और अगला देखो, यहाँ 36 दे रखा है। तो 36 जो है बेटा वो 40 के ज्यादा पास है या 30 के ज्यादा पास है? तो 40 के ज्यादा पास है मैम, इधर करेक्ट होगा। अगला देखो 42 दे रखा है। तो 42 जो है वो आपके 50 के ज्यादा पास है, 50 के ज्यादा पास है या फिर 40 के ज्यादा पास है? तो 40 के ज्यादा पास है मैम, 50 से तो दूर है। अगला देखो 89 है, 89 90 के ज्यादा पास है या फिर 80 के ज्यादा पास है? तो 90 के ज्यादा पास है मैम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेंस को हम कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, या अगर हमें दहाई अंक को अनुमानित करना हो, अनुमानित मान निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? पता चल गया? ठीक है, पता चल गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेंस का देखा हमने। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें सिखा रहा है किसको, 100s को अप्रोक्सीमेट करना। किसको सिखा रहा है, 100s को या फिर सैकड़ा का अनुमानित मान निकालना सिखा रहा है। सैकड़ा का निकाल रहे हैं तो हम पूरे नंबर को देखेंगे, 229। अब ये 229 जो है, हम 100s में देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे इसके 100s जो है, 100s वाला जो नंबर है सैकड़ा पे जो नंबर है वो है 2। तो या तो ये 2 जो है या तो ये 200 के पास होगा या फिर ये 300 के पास होगा। तो किसके ज्यादा पास है? 229 दे रखा है तो 29 है, ज्यादा आगे तो नहीं गया, इसका मतलब ये 200 के ज्यादा पास है। अगला है 461, 461। ये 461 जो है बेटा आपका 500 के ज्यादा पास होगा या फिर 400 के ज्यादा पास होगा? तो आपको दिख रहा है कि ये 461 जो है ये 500 के ज्यादा पास है। ठीक है, अगला क्यों है आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, इधर 39 ऐड करना पड़ेगा। और इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, 61 ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा पास हुआ ज्यादा, ये पास हुआ ना, इसीलिए। चलो अगला देखो 841। अब ये 900 के ज्यादा पास है या ये 800 के ज्यादा पास है, तो 41, इधर तो 41 जाना पड़ेगा, इधर कितना जाना पड़ेगा, 59 टाइम्स जाना पड़ेगा, सॉरी 59 ऐड करना पड़ेगा। तो इधर हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि इधर हमें कम दूरी तय करनी पड़ रही है, 41 ही ऐड करना है ना, तो ये हमारा पास होगा। अगला दे रखा है 168। अब ये 168 200 के ज्यादा पास है या 100 के ज्यादा पास है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 100 से 168 में आने के लिए 68 ऐड करना पड़ेगा, और 168 से 200 में जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है ये पास है, ठीक है। और देखो कुछ नंबर्स, ये देखो 9537। अब हमें यहाँ 1000 से मतलब नहीं है, हमें सैकड़ा बदलना है, जिससे हमें इतने से मतलब है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। 537 600 के पास हुआ या 500 के पास हुआ, तो 500 के पास हुआ। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, ये 500 के पास हुआ, तो हमने मान लिया ये पूरा क्या है, ये पूरा 500 है। अब ये पूरा तो 500 है, पर आगे 9 भी तो दे रखा था, आगे एक 9 भी तो था, और आगे 500 था। तो हमने क्या मान लिया, ऐड नहीं करना है, मान लिया हमने 9500। ये क्या है, 9500 है। आगे देखो, आगे है 870। 870, अब ये 870 900 के ज्यादा पास है या फिर 800 के ज्यादा पास है। अब ये तो दिख रहा है कि 900 के ज्यादा पास है। तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर बन गया 9000 था, 9000, और आगे जो 3 डिजिट आनी थी वो ये वाली है, 9900। अगला देखो 3607। अब 607, अब ये 607 700 के ज्यादा पास है, 600 के ज्यादा पास है। दिख रहा है इधर 7 बार 7 जोड़ने पे ही आ जाएगा, तो ये इसके ज्यादा पास है, तो इसके ज्यादा पास है, तो हमने इसको बदला है। 3 तो वैसा का वैसा है, तो ये 3 वैसा का वैसा है, और 3 के आगे 3 जगह थी, उन तीनों जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600। तो नंबर क्या बन गया, 3600, 3600, ठीक है। अब इसको एस्टिमेट करो, अब बहुत बता दिया, आप डायरेक्ट करो। 5831 किसके ज्यादा पास होगा ये बताओ, ये 831 किसके ज्यादा पास है, 831, ये 800 के ज्यादा पास होगा, तो नंबर क्या बन जाएगा, 5800। ये देखो 768 किसके ज्यादा पास होगा बताओ, 800 के ज्यादा पास होगा, तो नंबर क्या बन गया, 6800, ठीक है। और बताओ 356 400 के ज्यादा पास है या फिर 300 के ज्यादा पास है, 400 के ज्यादा पास होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2400, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम प्रैक्टिस सीरीज में सॉल्व करेंगे। देखो आगे क्या है, अप्रोक्सीमेट दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब 1000 पे करना है, कैसे करेंगे, अब 1000 पे करना है तो ये पूरा ही नंबर देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा नंबर देखना पड़ेगा। 2573, अब ये 2500 तो बीच का नंबर हो जाता है, ये तो बीच का नंबर हो जाता है, पर ये 2500 से भी थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 73 ज्यादा है। तो अब बताओ कि 2500 जो है ये 3000 के ज्यादा पास होगा या 2000 के ज्यादा पास होगा। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि 2500 से भी ज्यादा है ये, तो इसका मतलब ये इसके पास होगा, 3000 के पास होगा। और देखो 6404, तो 6404 आपका 7000 के पास होगा या फिर 6000 के पास होगा। तो आपको दिख रहा है 64 6 के बाद 400 और जोड़ रहे हैं, तो 400 ही जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसके ज्यादा पास होगा, वो इसके ज्यादा पास नहीं होगा। इधर आने के लिए 600 और जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसके ज्यादा पास होगा। इधर देखो 7805, अब ये जो नंबर है ये 8000 के ज्यादा पास है या 7000 के ज्यादा पास है। तो आपको दिख रहा होगा 7000 से यहाँ तक आने के लिए 800 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 200 जोड़ना पड़ेगा। तो किसके पास हुआ, इसके पास हुआ, ये पड़ोसी हुए। अगला नंबर देखो 3499, अब ये जो नंबर है ये 4000 के पास है या 3000 के पास है। तो आपको दिख रहा है इधर जाने के लिए ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, इधर जाने के लिए 501 जोड़ना पड़ेगा, इधर 499 जोड़ना पड़ेगा, तो इसके पास है, ठीक है। और नंबर्स देखते हैं, अब डायरेक्ट बताएंगे आप लोग। 9568 किसके पास होगा, ये 10000। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इनको कितना जोड़ना पड़ेगा, 9568 में कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ, 32 और 432 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो 7000 384। अब 7,000 के बाद कितना है? 300 है। इसका मतलब ये ज्यादा आगे नहीं गया, तो ये किसके पास होगा? 7,000 के पास होगा। आगे देखो 8,661। अब 8,000 के बाद कितना है? 600 है। इसका मतलब ये आगे चला गया, 9,000 के पास चला गया। ठीक है, इधर देखो 2,405। 2,000 के बाद कितना है? 400 है। इसका मतलब ये अभी आगे नहीं गया, अभी ये 2,000 के पास ही है। ठीक है, अगला देखो 5,890। 5,000 के बाद कितना आ गया? 800 आ गया, 800। इसका मतलब ये आगे चला गया, 6,000 के पास चला गया। 5,000 जो है वो 6,000 के पास चला गया। 7,034। अब 7,000 के बाद तो 0 है, दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा, ये कहीं कहाँ रहेगा? 7,000 के पास ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं नंबर्स का। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हम और क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड करने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज में, तो वहां आपको और जो है क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फिलहाल आप ये कीजिए, और जहां भी अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इजीली कर पाएंगे। रिवाइज करिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए, वीडियो देखिए हेल्प के लिए, जितने बार आप देख सकते हैं रिपीट मोड पे। ठीक है, और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक बार बार रिवाइज करिए, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा ही मेरा लिखा हुआ। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा? लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। लिंक कहाँ मिलेगा आपको? लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां जाइए, आराम से PDF डाउनलोड करिए और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करिए। मैथ जो है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम होता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है। जो कर लेता है उसको सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, जो नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं लैग करता है। ठीक है, तो आप वो गलती मत कीजिए, अभी से रिवीजन स्टार्ट करिए। एग्जाम टाइम का वेट नहीं करना है। कुछ बच्चे वेट करते रहते हैं, एग्जाम आएगा ना तभी जाके एक ही बार में हम एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होती है, स्टार्टिंग से ही बार बार रिवाइज करते हुए चलना होता है, पढ़ना होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप आराम से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे से और रिवाइज करिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में जो और तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो नहीं भी कर रहे हैं, जो नॉर्मली भी क्लास 6 में जाने वाले हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हम वही पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स तो वही है, बेसिक्स तो वही है हमारे। ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। थोड़ा सा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।